हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गार्लिक ब्रेड टोस्ट की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। गार्लिक ब्रेड टोस्ट बनाने के लिए यहाँ पे हमने व्हाइट ब्रेड की 4 स्लाइस ली है। आप चाहें तो इसकी जगह ब्राउन वाला ब्रेड भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। चिली फ्लेक्स, धनिया पत्ती, बटर 4 टेबलस्पून, अमूल का प्रोसेस्ड चीज़, ग्रीन चिली, स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च का पाउडर। अब हम एक पैन में डालेंगे 3 टेबलस्पून बटर, 3 मेल्ट कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये ग्रेट किए हुए लहसुन। इसे बस कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे, ज्यादा नहीं भूनना है इसे। दस से 12 सेकंड हो चुके हैं। अब इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं। अब हम सेम पैन में डालेंगे ये बटर। अब इसमें इस ब्रेड को इस तरह से डाल के एक साइड से सेक लेंगे। सारे ब्रेड को इसी तरह से सेक लेंगे एक साइड से। इसे हमने एक साइड से सेक लिया है, ये देखिए सिक चुका है ये। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे ब्रेड को सेक लेंगे। सारे ब्रेड को हमने एक तरफ से सेक लिया है। अब इस ब्रेड पे हम सबसे पहले लगाएंगे ये गार्लिक बटर। इसे सब तरफ स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये धनिया पत्ती, हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च पाउडर, प्रोसेस्ड चीज़। चीज़ का अमाउंट आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, और इसकी जगह आप मोज़रेला चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक पैन में डालेंगे बटर। बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये ब्रेड। इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक चीज के मेल्ट होने तक सेक लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, गार्लिक ब्रेड टोस्ट रेडी हो चुका है। इसके ऊपर का चीज भी मेल्ट हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे ब्रेड को हम सेक लेंगे। गार्लिक ब्रेड टोस्ट बनके तैयार हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।